Hey guys, good morning. Welcome back with the new vlog. आज है 26 जनवरी तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। और आज का हमारा व्लॉग होने वाला है चैलेंजिंग व्लॉग और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। किस तरीके का चैलेंजिंग व्लॉग होने वाला है कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आज होने वाला एक चैलेंज वीडियो जिसमें हम एक दूसरे के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सेम टाइम पे सेम आंसर लिखेंगे, मतलब सेम आंसर लिखेंगे। हाँ, मतलब सेम टाइम पर लिखेंगे। जो आपका राइट आंसर होगा वो आप लिखेंगे और जो मेरा राइट आंसर होगा वो मैं लिखूंगी। देखते हैं कि वो कितने टाइम सेम होता है। हाँ, मतलब हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, कहने का मतलब यह है कि मैं भी अपने से क्वेश्चन करेंगी और उसका आंसर मैं भी लिखूंगा और ये भी लिखेंगी और उसको देखेंगे कि हमारा आंसर सेम होता है कि नहीं होता है। तो यार ये तो मतलब मजा आने वाला है। आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस, कीप वॉचिंग। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं बेडरूम पे और मैंने अपने सारे क्वेश्चंस इसमें नोट डाउन कर लिए हैं कि मुझे इनसे क्या क्या पूछना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और देखते हैं ये आंसर दे पाती है कि नहीं सही। और ये अभी तक लिख रही हैं, पता नहीं क्या क्या सोच के लिख रही हैं। बस कीजिए भाई। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं शुरू। सो ऑल सेट गाइज और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग। पहले आप पूछिए। मुझे सबसे ज्यादा मीठे में क्या पसंद है जिसको देख के एकदम मेरा मन ललचा जाए? आंसर जलेबी और रसमलाई। रसमलाई लिखा था मैंने, रसमलाई। देखिए गाइस, अब आप नॉट स्माइल कर, मैं भी जरा अपने से निकाल लूं, खजाने से क्वेश्चन निकाल रहे। जब मैंने आपको प्रपोज किया था वो डेट कौन सी थी और डे कौन सा? ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं कभी भी दे सकती हूँ सोते समय भी। बताइए। एट्थ में बातें हमारी सिक्स्थ में से स्टार्ट हुई थी और एट्थ में को आपने प्रपोज किया था और वो दिन था फ्राइडे। सही बात है। एट्थ ऑफ मई 2015 फ्राइडे। नो इट्स योर टर्न। मैं ज्यादातर टाइम कौन सी किस टाइप की मूवीज देखना पसंद करती हूँ? बताओ। फैमिली एंड रोमांटिक। फैमिली ड्रामा एंड रोमांटिक टाइप्स, उसको तो पता रहेगा क्योंकि मैं जबरदस्ती देखती हूँ और इन्हें भी जबरदस्ती दिखाती हूँ। 2 points मेरे बिल्कुल सही हैं। अभी आपका 1 point सही हुआ है, ठीक है? हाँ, अभी आपने एक ही तो क्वेश्चन किया ना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन। हाँ, मेरा ड्रीम प्लेस। अरे पहले मुझे तो बता दीजिए आंसर, तो मैं भी दिखा देता हूँ। मालदीव्स एंड दुबई। मालदीव्स। सही है। नाउ इट्स मजा आ रहा है लेकिन गाइस सच में। सो इंटरेस्टिंग। पता तो चल रहा है कि हमें एक दूसरे के बारे में कितना क्या पता है। अब
मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करूंगी ऐसा क्वेश्चन करूंगी कि शायद ही आप उसका आंसर दे पाए। करिए तो आप देखते हैं देते हैं कि नहीं। आपने आपका ड्रीम प्लेस पूछा है ना, मैं अपना फेवरेट प्लेस पूछ रही हूँ। बताऊं पक्का बता दूं, आपका फेवरेट प्लेस है मेरा शोल्डर, क्योंकि गाइस ये जब भी सोती हैं तो यहीं पर सर रख के सोती हैं मेरे हाथ में, तो यही इनका फेवरेट प्लेस होना चाहिए शायद, मे बी। क्या अरे मुझे तो बताइए। Your heart and arms. सही वाले। कैसे पता चला आपको? आप प्लेस भी तो लिख सकते थे ना। एक पॉइंट कम हो जाता आपका। फेवरेट प्लेस बोले ना, फेवरेट प्लेस, माय ड्रीम प्लेस या कुछ बोले होते तो मैं थोड़ा सा सोच लगाता उसमें। फेवरेट प्लेस बोले तो जहां तक मुझे पता है कि आपका फेवरेट प्लेस जो है वो मेरा अच्छा ये बताइए, मेरा टर्न है ना, मुझे सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? खाने में बताइए। अरे मुझे बताइए। जो भी मैं बना दूं, लाइक पिज़्ज़ा, सब कुछ जो भी मैं बनाऊं, सब आपको पसंद आता है, सब आपको सही है। मैंने इसमें लिखा है गाइस कि आपके हाथों से बनाई हुई हर चीज, स्पेशली पिज़्ज़ा एंड गुलाब जामुन। मैंने भी पिज़्ज़ा ही लिखा। सबसे फर्स्ट नंबर में। नाउ इट्स योर टर्न। अभी मैं एक भी पॉइंट से लूज नहीं हूँ, ना ही एक भी पॉइंट से लूज अभी नहीं हूँ। हो जाए फिर पूछिए पूछिए। क्वेश्चन अभी देखने दे रहा। आपका फर्स्ट गिफ्ट जो आपने मुझे दिया था, आपका फर्स्ट गिफ्ट जो आपने मुझे दिया था, गिफ्ट तो मैंने आपको दिया था और मैंने आपको दिया था, दोनों बताइए। नहीं समझ में आ रही होगी राइटिंग तो मैं आपको बता दूंगा। बताऊं, मैंने जहाँ तक तो मुझे याद है सबसे फर्स्ट गिफ्ट आपको दिया था टेडी बियर, ये फर्स्ट गिफ्ट, और 2015 का है ये मेरा टेडी, और पता और... है ये इनने लिया था शादी पहले, कह रही हूँ हमारे मेरे मिलने से भी पहले ले चुके थे। एक बार वैलेंटाइंस पे एक मेरी मतलब फ्रेंड की शॉप थी, वहाँ पे मुझे देखकर अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था। नहीं पता था कि ये क्यों ले रहा हूँ, किस लिए ले रहा हूँ, बट किसी को देने के लिए नहीं देता। किसी को देने के लिए देता तो मेरे पास क्यों रखा रहता। सही बात। और आपने मुझे दिया था सबसे फर्स्ट गिफ्ट था वो शर्ट थी रॉयल ब्लू कलर की। मैंने ब्लू शर्ट और आपने टैडी एंड येलो साड़ी। हाँ यार येलो साड़ी में, लेकिन sort of answer सही है, सही है। मतलब पॉइंट नहीं घटेगा। हाँ।
सो नाउ इट्स माय टर्न, कर देख लो खजाने में कौन हारेगा कौन जीतेगा, समझ ही में नहीं आ रहा। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। अब आपके लिए टफ चॉइस है, मेरी सबसे खराब आदत जो आपको लगती है कि खराब है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इतना छोटा सा आंसर है, आप इतना बड़ा लिख रहे हैं। बहुत फास्ट फॉरवर्ड में लिख रहा हूँ, राइटिंग तो मेरी पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं, लेकिन हाँ मैं बोल के आप लोगों को बता दूंगा। मैं सबको दिखा चुकी हूँ नथिंग, ऐसी कोई भी आपकी हैबिट नहीं है जिसको मैं चेंज करना चाहूँ, क्योंकि कभी गुस्सा आप करते नहीं, लड़ाई आप करते नहीं, झगड़ा आप करते नहीं, तो मैं ऐसी कौन सी चीज भी जिसको आपको चेंज करने की जरूरत है। प्यार कराना तो मैं चेंज कर नहीं सकती और वो बुरी आदत भी नहीं है। और मैंने लिखा है गाइस कि ऐसा तो कभी टाइम ही नहीं आया कि मैंने इनके साथ कुछ गलत बिहेव किया हो या गुस्सा किया हो, तो मैं ये लिखा हूँ उसमें कि पता नहीं क्या लिख रही होंगी। चलिए अब आपका टर्न। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखी है इन्होंने, समझ नहीं आता कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे। जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, सबसे फर्स्ट टाइम, मोबाइल में नहीं मतलब वीडियो कॉलिंग, फेस टू फेस जब आपसे, तो मैंने किस कलर की ड्रेस पहनी हुई थी? इतना सिंपल है यार। अरे यार सिंपल है, पता नहीं आपको यार। बहुत फास्ट लिख लेते हैं लगता है। मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, फुल डिटेल डिटेल्स। बताइए, आपने पहनी थी व्हाइट कलर की टी शर्ट और जिसमें ग्रे कलर की प्रिंट था और ब्लैक जीन्स पहना था और बिल्कुल नेचुरली मिले थे, नो मेकअप कुछ नहीं, बिल्कुल सुबह उठ के इंसान सामने जैसे जाता है वैसे थे। और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, वो बहुत बारिश वाला दिन था, 11 जुलाई, और मैंने स्टेटस लगाया था कि आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसे का सावन, और वाकई में उस दिन सावन जो बरसा है ना गाइस सच में। देखिए मैंने पूरा वही लिखा है एज इट इज, व्हाइट ग्रे जींस टॉप, व्हाइट ग्रे टॉप और जींस ब्लैक, मैंने लिखा व्हाइट टी शर्ट फुल स्लीव्स की जिसमें ग्रे कलर का प्रिंट था और ब्लैक जींस। इतने गौर से देखे थे आप। यार अब जिससे आप प्यार करते हैं वो फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है, तो आप उसको कैसे देखेंगे? और मैंने ब्रश तक नहीं किया। लेकिन मैं ब्रश करके गया था क्योंकि मेरे पास टाइम था, आप तो ट्रेन से आ रहे थे ना। तो अभी तक हम लोगों का कोई भी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ा है, सब लोग बराबर बराबर चल रहे हैं। नाउ इट्स माय टर्न एंड दिस इज माय फिफ्थ क्वेश्चन। सबसे बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का क्या हो सकता है?
ऊपर लिखे हैं आप, नीचे लिखा हूँ, क्या है बताइए? क्या है? फैमिली टाइम, जब हम सात तो लोग साथ में रहे। यस सही है, बिल्कुल सही। कहिए। यस, मैंने भी लिखा था अवर टाइम, मतलब अवर टाइम मतलब कि हमारा टाइम, फैमिली टाइम। जबरदस्ती में मिस कराना है। चलिए अब आपके। यार अगर किसी क्वेश्चन में मिस कर जाऊंगी ना, तो पता है हमारे जो लव बर्ड टैग है ना, उसकी तौहीन हो जाएगी। ये भगवान जी, ऐसा पता है मैं ही बोल रही हूँ और मैं ही गलत आंसर दे दी। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। जैसे क्या होता है ना कि मैंने इसलिए पूछा सबसे बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि जब हम लोग सभी लोग साथ रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि जिसको दोबारा नहीं जिया जा सकता, वो उसी टाइम पर आकर चले जाते हैं, तो वो एक बेस्ट मोमेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ये बात तो नहीं था ना, वैसे आंसर तो सही दिया। नहीं वो अच्छा, चलिए इसी को थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। अगर कोई एक मोमेंट की बात करे हाँ। तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जो बेस्ट होगा मेरी लाइफ? हमारी शादी। क्योंकि वो मेरा भी है। सही बात है, बिल्कुल सही। हालांकि क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये आंसर मेरे मन में था कि बेस्ट मोमेंट, अगर एक सिंगल बेस्ट मोमेंट की बात करे तो वो है हमारी शादी, क्योंकि एक ड्रीम था मेरा। बस चले तो मैं हर साल शादी करूं इनसे। वो भी पूरे तब रिचुअल्स के साथ, सब चीज, हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, बारात, सब चीज करेंगे। एक बार भगवान ने चाहा तो बार बार करेंगे। हाँ, चलिए मैंने दो क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। कोई बात नहीं। जब भी मतलब मैं फ्री रहती हूँ तो कभी कभी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा देखना मैं क्या पसंद करती हूँ, सबसे ज्यादा ये आपका गलत हो सकता है। कोशिश कर लूंगा मैं बिल्कुल। सबसे ज्यादा आप देखना पसंद करती हैं YouTube वीडियोस, और उसमें भी अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है रेसिपीज और मेकअप रिलेटेड वीडियोस। एकदम सही यार, सही में ये लिखा हुआ आंसर। यार गाइस देखिए, बिल्कुल ये है मेरा आंसर, रेसिपी, यूट्यूब वीडियोस एंड मेकअप रिलेटेड वीडियोस। क्योंकि मैं हमेशा मेकअप में तो ठीक है जैसा है तो सबको ही पता है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए कभी कभी मैं देखती हूँ मेकअप वीडियोस और मैक्सिमम टाइम रेसिपीज देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कुछ नहीं आया। अच्छा लगता है ना, अच्छा। चलिए अब मेरे साइड से है लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, माय हॉबीज। आपकी हॉबी? इसके लिए आप मुझे बहुत परेशान करते हैं। आपकी हॉबी, आपका मैक्सिमम टाइम जो करने का मन करता है बताइए। सिंगिंग, डांस
sing with me. Only. बस मैंने इतना ही लिखा है. सही है. Singing and dancing with me. मेरा सबसे ज्यादा मन करता है वो भी इनके साथ, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. देखिए मैंने लिखा है ये व्लॉगिंग है और मेकिंग शॉर्ट वीडियोस है जो कि हम लोग MX सकटक और मोस पे बनाते हैं, और सिंगिंग है, डांसिंग है, और उसके आगे मैंने एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ तो सही है ना. हाँ हाँ बिल्कुल सही है. सिंगिंग भी आपका शौक है और आप डांस भी. मैं मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते इस चीज से. कभी भी अगर कोई अच्छा सा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग और लव सॉन्ग बजा सुनाया गया या ये इन्होंने लगाया होम थिएटर पे, तो कुछ भी मैं कर रही हूँ, चाहे वो खाना बना रही हो या कभी ऑफिस का वर्क कर रही हो या कभी रोटी से. अरे यार इस चक्कर में कई बार हमारी रोटी भी जल गई है. तो आपको देखना चाहिए ना कि मैं क्या कर रही हूँ. जब भी रोटी तवे पे चढ़ाकर हमने इनको हाथ पकड़ के ले आता था अपने टाइम में डांस करने के लिए. चलिए अब ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और लास्ट पहुंचते हैं फाइनल क्वेश्चन पे. बस गेस व्हाट, मेरे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और मेरे पर कोई पॉइंट नहीं आया है. अब जो इनका है वो देखते हैं. कोई ऐसी चीज बताइए खाने की जिस जो मतलब सबसे ज्यादा टाइम मेरा खाने का मन करता हो, बहुत मन लग जाता हो खाने का. माउथ वाटरिंग वाली चीज बतानी. माउथ वाटरिंग वाली फेवरेट नहीं बोल रही, फेवरेट तो बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जिसको खाने का बहुत दिल करता हो खाने का, हमेशा ऐसा रोज मिले तो मैं रोज खाऊं. देखिए गाइस यार मैंने तो लिखा ही नहीं. अभी कुछ दिन पहले हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे. दिस इज द आंसर. मैं बताऊं, चाय पूरी. चाय पूरी मैंने भी लिखा है ऊपर, चाय पूरी CHAIPURI. और मैंने हिंदी में लिख दिया है चाय पूरी. इसके साथ आपके क्वेश्चंस खत्म. हाँ मेरे क्वेश्चंस खत्म. मैंने 7-8 क्वेश्चन कर लिए आपसे. मैं भी लगभग इतने ही कर लिए हैं. यस तो गाइस कौन जीता है कौन आ रहा है ये तो आप लोग जानते ही हैं. कैसा लगा आपको हमारा एक क्वेश्चनायर वाला चैलेंज वीडियो? क्योंकि इन्होंने भी जो क्वेश्चंस लिखी थी ना वो पता नहीं अपने मन से, आपने तो देखे हैं कि सामने लिख रही थी और मैं भी छुपा के लिखा था सारे क्वेश्चंस. जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये है मेरे क्वेश्चंस जो मैंने लिखा था और ये हम लोगों ने जो आंसर्स दिए हैं. लेकिन तो, यार आपने सारे आंसर सही दिए. आपने भी सारे आंसर सही दिए. मतलब देखिए गाइस हम लोग एक दूसरे को कितना ज्यादा जानते हैं, कितना अच्छे से समझते हैं. जब इंसान पूरे टाइम एक दूसरे के साथ रहता है, हस्बैंड वाइफ है तो समझेंगे नहीं तो क्या होगा. थैंक यू मुझे इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए. तो गाइस कैसी लगी? सबसे खतरनाक वाला क्वेश्चन क्या था पता आपका? ये कि मेरी कौन सी बुरी आदत है जिसको मुझे सुधार लेना चाहिए. मेरी वैसे आप लोगों को मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी एक आदत थी, मतलब है अभी भी, इनके ऊपर तो नहीं आता है बट मुझे गुस्सा पहले बहुत आता था, मतलब 2015 जब ये मिली है उसके पहले. बट इनके मिलने के बाद से पता नहीं क्या एक ऐसा हुआ है, चेंजेस आया है. वो हो जाता है ना कि कई बार आपकी लाइफ में ऐसा राइट पर्सन आ जाता है जो आपकी आदतें भी ऑटोमेटिकली उसके साथ रहने से सुधरने लग जाती हैं. तब से मैंने गुस्सा करना कम कर दिया. इनफैक्ट अब बिल्कुल नहीं के बराबर आता है. कुछ गुस्से वाली बात होती है तभी गुस्सा आता है, वो भी किसी और पर जिससे हो. हमारे रिलेशन में कभी ऐसा कोई टाइम ही नहीं आया है कि गुस्सा हो. गुस्से वाली बात कोई बात होगी तो गुस्सा तो आएगा नॉर्मली. बाकी घर पे कभी भी गुस्सा या लड़ाई झगड़ा टच कभी नहीं होता. आज मिल गया जल्दी से. तो ये है गाइज क्या है, जब रिलेशन में आप हैं और आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को प्यार करना, यही लाइफ है. क्योंकि कैसा भी मूड हो जाए लाइफ में, पेरेंट्स तो हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं, वो तो उनकी एक अलग ही मतलब जगह है, एक अलग ही दर्जा है. लेकिन हस्बैंड वाइफ से बढ़कर रिलेशन पूरी दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जो कि एकदम लास्ट टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे.
अपने प्यार को इसी तरीके से बनाए रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर तो ज़रूर किया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जाकर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।